MZS TV। सब्सक्राइब करें। यहां आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताजा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MZS TV पे ज़ुबैर बशीर आपके सामने हाजिर है और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है किंगडम वैली के बारे में एक खुशखबरी। हर जगह पे अच्छी और बुरी न्यूज़ चल रही होती हैं, तो उनके दरमियान में किंगडम वैली के अंदर एक अच्छी खबर जो आई है उसकी एथेंटिसिटी को वेरीफाई कर रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये है पाकिस्तान में एक मशहूर अखबार दुनिया न्यूज़, उसकी अखबार का तराशा ये आप देख भी सकते हैं। 28 अक्टूबर 2022 में को ये शाया हुआ और इसको शाया करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सब रीजन रावलपिंडी। तो ये आप जानते हैं कि पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, जिसको उर्फ आम में फाटा भी कहा जाता है, ये पंजाब का एक इदारा है जो लो कास्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी देख रहा होता है, उनको NOC जारी करता है और वहाँ पे इन्होंने 20% लैंड जो है वो लो कास्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए रखी होती है। तो उसी 20% लैंड पे ये घर बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में इन्होंने अखबार के अंदर ये इश्तहार दिया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसके मैं बारे में आपको बता देता हूँ कि फाटा ने अफोर्डेबल प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स और रूल्स 2020 के तहत मंदरजा ज़ैल स्कीमें पास की हैं, जिनमें 3 मरला 5 मरला के तामीरशुदा घर या फ्लैट मुहैया किए जाएंगे। मकानात फ्लैट की अलाटमेंट बजरिया कुरंदाजी की जानी मतलूब है, जिसकी तफसील मंदरजा ज़ैल है, जिसके अंदर आप देखें टॉप पे जो है ना किंगडम वैली का नाम लिखा हुआ है और इसमें वो बताए जा रहे हैं कि नोयत मकान जो है नोयत यूनिट वो मकानात हैं, साइज़ जो है वो 3.5 और 5 मरला है, जिनका कवर्ड एरिया होगा 838 स्क्वायर फीट और 5 मरले का होगा 1191 स्क्वायर फीट, जिनकी कीमत उन्होंने बताई है कि फी यूनिट आरजी जो है वो है 38 लाख रुपये 3.5 मरले की और 56 लाख रुपये 5 मरले की है। और रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि ये यूनिट 1 साल में मुकम्मल होंगे और मुकम्मल होने के बाद चाबी जो है वो दी जाएगी। तो खैर, ये तो फाटा का अपना एक अरेंजमेंट है कि उन्होंने वो जो 20% लैंड ली हुई थी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ जो उन्होंने की थी, तो वहाँ पे वो 3.5 मरला और 5 मरला के घर बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने ये इश्तहार दिया है। तो है तो ये फाटा का प्रोजेक्ट, लेकिन किंगडम वैली का भी ट्रस्ट इसमें सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फाटा जो है जब घर बनाएगा, किंगडम वैली के भी घर बन रहे हैं, तो इससे किंगडम वैली की जो क्रेडिबिलिटी है वो एक स्टेप और ऊपर चली जाती है। तो ये थी आज की किंगडम वैली की पॉजिटिव न्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। जिन लोगों ने किंगडम वैली में इन्वेस्टमेंट की है, उम्मीद है उनको ये खुशखबरी सुनकर अच्छा लगा होगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए इंतज़ार करें, जैसे ही कोई नई चीज़ आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें MZS के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।